क्या वो मनु की दादी नहीं है? तो मैडम से वो पूरा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अब वक्त नहीं है, वो लोग बस आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, एक काम करो, नया फोटो प्रिंट करके नया न्यूज़पेपर निकलवाओ जल्दी। क्या हुआ मैडम सर? करिश्मा सिंह आप जल्दी जाइए और न्यूज़पेपर कलेक्ट कीजिए। जी मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। मेरे को ना आप लोगों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। देखो तनु, अब भरोसा कर लिया है ना तो रखो, सब ठीक होगा। अरे ये लोग थोड़ा देर से नहीं आ सकते थे? मैडम सर मुसीबत है ना, टाइम पे ही तो आती है मुसीबत। चली, 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 चली। अरे आप लोग जल्दी आ गए आप लोग। हाँ तो चलो चलो जल्दी से तलाक के पेपर में साइन करवाओ। जल्दी जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है ना दीदी। जो जो तने सू गई छे। हूँ शैतान छू? क्या कह रही है आप? मम्मी पूछ रही है कि आप उनको शैतान कह रही है? हाँ बेटा, ऐसे अपनी मम्मी को शैतान नहीं बोलते। मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ? हम आपको बहुत बढ़िया सी चाय पिलाते हैं। बदनाम एक स्पेशल चाय लेकर आ। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। इनको दे दो, जल्दी जल्दी दे दो, हमें दे दो। वाह वाह, आज तो कल से बढ़िया बनाई है चाय। दिल से बनाया है। ये जो चाय है अच्छी है। हाँ। कहाँ से अच्छी है ये चाय? पसंद नहीं आई आपको? कोई बात नहीं, लेके जाओ, लेके जाओ। कैसी कैसी बढ़िया चाय बनाई। पुष्पा जी, चाय की उधर किसके नाम पर लिखो? लला के पापा के नाम पे लिख दो। ओके, इसका मतलब है कभी नहीं मिलेगी। अगली बार अच्छी चाय बना के लेके आओ। सब कुछ सेट छे? ऐसे सारे बजे क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ? करिश्मा सिंह कहाँ हैं आप? संतु जी, हमसे बहुत भारी गलती हो गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे इसका खामियाजा भुगते हम, लेकिन आपके साथ हैं हम, आपके संघर्ष में हर वक्त आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आपके साथ हैं हम। आप कीजिए, एकदम मन लगा कीजिए संतु। ले ले, तू कर ले। ना, ना, कर ले, कर ले, कर ले। साथ है इसलिए तो गलती हो रही है, ये क्या है? समझा, दादी चाहिए थी नानी। संतु जी आप टेंशन मत लीजिए, कर ले तो दो मुझे। अच्छा हाँ, आप कीजिए। हाँ साइन करी दे, चल। ये डिवोर्स होगा तो इसके साथ एक और डिवोर्स होगा फिर। किसका डिवोर्स? आप दोनों का। हो गया। मिश्रा जी। जी मैडम। हाँ मिश्रा जी, कल जो मैंने आपको फोटो दी थी और जो प्रिंट हुई है वो गलत थी, मैंने दोबारा आपको सही फोटो मेल की, प्लीज अब वो प्रिंट करके जितना जल्दी हो सकता है दे सकते हैं। ओके मैडम। और इस पेपर को भी 1970 के जैसा पुराना बना दीजिएगा। अरे जीते, न्यूज़पेपर का पावर। जय मैडम। बस अभी सही न्यूज़पेपर प्रिंट करने भेजा है। ये क्यों मुझे देंगे तलाक? क्योंकि आपके पति भी आपसे एक साल छोटे हैं, तो अगर हम सेम लॉजिक अप्लाई करें जो इन पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है, तो डिवोर्स आपको भी लेना होगा। सू बकवास करो छता में। आमनी पैदाइश 1968 नी अने मारी पैदाइश 1969 नी, तो एक वर्ष बड़े हुए कि नहीं हुए? 1968 में इनकी पैदाइश हुई है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास?
ये लीजिए मैडम, हो गया। चीते हाँ। चलो हमारे साथ। चलिए मैडम। एक मिनट मैडम, आप तो उड़कर जाती है ना, हम कैसे उड़ पाएंगे मैडम, हमारा तो पंख भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके बाइक के पीछे बैठेंगे, इतना तेज चलाते हैं, धार से गिर जाएंगे, हमारे मुरा जाएंगे मैडम, कहाँ चले हम। हाँ ठीक है, तुम कछुए पे बैठ कर आओ, ठीक है। बिल्ले चलो। मेरे भी पंख नहीं है, मैं किसी बुलाई है ना, जाओ ना, जाओ ना। मुझे तो पूछा ही नहीं। काबिल लोग नहीं चाहिए था ना, इसीलिए उसको लेकर गई है। हमको तो, हम दोनों को नहीं पूछी। सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, पर वो जो बाढ़ आई थी ना, उस वक्त बाढ़ आई थी ना, और बाढ़ का पानी आपके घर में घुस गया था, तो आपके पास आपके सारे जो कुछ भी सबूत थे वो सारे बह गए थे, और वो बाढ़ 1970 में आई थी, ऐसा ही कुछ हुआ था ना। हेलो, इनके पास सबूत नहीं है, आपके पास सबूत है। अरे पर सू सबूत छे के बाहर 1970 दी छे। अब पापा का पूछना ये ऐसा है कि क्या सबूत है कि वो बाढ़ 1970 की है, 1970 की। क्या लगता है आपको कि इतना इतना बड़ा ऐसे दावा हम बिना किसी सबूत के कर देंगे? हम पुलिस है भाई, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। हाँ नहीं तो क्या, वो सबूत देखने के बाद ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी सांस जो है ना हलक में अटक जाएगी। ऐसा सबूत है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही सबूत है हमारे पास पुष्पा जी, वो समझ गए। हाँ। अभी मुझे भी देखना है कि ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, बताओ। मैडम मैडम धीरे चलाओ, जो बच्चों के बाल है वो भी उड़ जाएंगे। बाल पढ़नी, तुम अखबार पे ध्यान दो। अखबार है, दो दो अखबार है मेरे पास। हाँ तो ध्यान दो, बाल बाल भी दो ही है तुम्हारे पास। बाल दो है इनसाइड। हाँ हाँ देते ना सबूत, पुष्पा जी जाइए सबूत लेकर आइए। कहाँ जाइए? बाहर जाइए और सबूत लेकर आइए, बाहर जाइए सबूत लेकर आइए। पुष्पा जी चाय। क्या हुआ इनको, चाय पी क्यों नहीं रही है? पुष्पा जी चाय एकदम कड़क है। हाँ तो फिर नहा लो, हमें नहीं चाहिए चाय। क्या हो गया इनको? फिर ये आया बिल्ला। अरे माँ न्यूज़पेपर, माँ ये ले लो, माँ ये सबूत की मशाल लेके जाओ, दिखाओ उनको, आई केस सॉल्व। माँ एम्बुलेंस पेपर है ये, दूसरा न्यूज़पेपर। फिर वो कौन सा था, नानी वाला तो नहीं? तुमने नानी वाला और दादी वाला साथ में रखा है, का जरूरत था इसका? हाँ अगर गलती से नानी वाला हाथ लग जाए तो। लेट मी चेक। इतना टाइम है क्या तुम्हारी मैया के पास? होगा इतना टाइम? हाँ दीजिए दीजिए, ये लीजिए, गुजराती न्यूज़पेपर के आर्काइव से हमने मंगाया है। मुझे तो नहीं, बताओ बताओ तुम अच्छे। अरे आ तो हमारी मम्मी छे। हाँ तो देखो देखो गोदी में कौन है। आप ही है ना चाचा? हाँ मैं। नीचे डेट भी चेक कर लीजिए, 1970। चाचा चाचा इससे संथाली बुलवाए समझ में आएगा आपको? नहीं नहीं पापा का कहना है कि 1970, 1970, 1970। इसका मतलब कि आप 1970 में पैदा हुए। मतलब? मतलब हूँ तारा थी एक वर्ष नानो छु। सो क्यों छो बताओ तो। मतलब ये कि आप अपनी बीवी से एक साल छोटे हैं, तो इस हिसाब से आपको भी अपनी बीवी को डिवोर्स दे देना चाहिए। सोचना भी नहीं, चाचा ही एकदम ऐसे खुशी मनाने वाला बात नहीं, नोट करने वाला बात है। जैसे ही चाची को पता चला कि आपसे एक साल बड़ी है, देखिए देखिए कैसे देख रही है आपको। अरे सिर्फ यहाँ नहीं चीते, उनके
उनके घर गए थे ना, तब हमने देखा ना कैसे अब अपनी मनमानी करती है, अब धौंस जमाती रहती है बार बार। हाँ वही देखकर तो हमें लगा कि शायद आप अपने पति से एक साल बड़ी हैं, इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर हमें सच्चाई का पता चला। गुजरात गए थे पूरे प्रूफ के लिए, पूरे प्रूफ के साथ वापस आए हैं। गुजरात बाइक पे? देखिए नियम कायदा सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपका बेटा और बहू का डिवोर्स होगा, उसके तुरंत बाद आप दोनों का डिवोर्स होगा। पर मुझे क्यों तलाक देना है? खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बढ़ाना। अरे तू छोटी है, बड़ी है, खरी है, छोटी है, अरे मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। Because I love you. अब मेरे पति ना अपनी राजी खुशी से सारी बातें मेरी मानते हैं, इसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम? तो ठीक उसी तरह, अगर आपका बेटा अपनी मर्जी से अपनी पत्नी की सारी बातें मानता है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? मैं मानता हूँ। पति अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो पत्नी के मन में लड्डू फूट जाते हैं, लेकिन उसी पत्नी का बेटा अगर अपनी पत्नी की बात मान ले तो फिर वो वश में हो जाता है बहू के, या उस पे बहू काला जादू कर देती है, तो गलत बात है ना? आपका बेटा आपकी बहू के साथ खुश है तो आप भी खुश रहिए ना। अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बीवी उससे उम्र में बड़ी है, तो आप क्यों परेशान हो रही है? अगर आपको परेशानी हो भी रही है तो घर जाइए, दो रोटी डट के खाइए और फिर सो जाइए जैसे हम डट के खाते हैं। माँ मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, हाँ मुझे माफ कर दो। बेटा आप मने माफ कर दे। अरे मम्मी शू करो छो? तनु बेटा हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर देना। अरे नहीं नहीं बापूजी, कैसी बातें कर रहे हो, अभी मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई ना कि आप लोगों को माफ कर सकूं। तुम्हें तो बस हम दोनों को सुख शांति और समृद्धि नो आशीर्वाद दे दो। सॉरी हाँ मैडम, गुस्से में आपको कुछ ज्यादा एक खरू खोटू बोली गयो। मैडम आज आपकी वजह से हमारी शादी और मम्मी पापा की शादी भी बच गई, तो उस वजह से आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कि नहीं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए मैडम सर, आपको नहीं लगता हमें उन्हें सच बता देना चाहिए कि अखबार अखबार जो है वो हमने झोल किया और वो झूठ है? करिश्मा सिंह ये बात सच है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये बात झूठ है ये भी तो हम नहीं जानते। और वैसे भी तजुर्बा कहता है हमारा कि सच झूठ सही गलत इस सबसे ऊपर होता है प्यार, और एक रिश्ते में एक शादी में सबसे ज्यादा जरूरत इस प्यार की ही होती है। इसमें उम्र या उम्र का फासला बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, और यही बात इन्हें समझानी थी। मैडम ये रही वो फाइल, एक बार चेक कर लीजिए। संतु हाँ तुम क्या टोपा गई हो क्या? नहीं ये फाइल तुम 40 बार दिखा चुकी हो हमको, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ओ ये दिखा नहीं मैंने, सॉरी। गजब आपने मुझे भी नहीं देखा है, मुझे तो आप भूली गई, 4 घंटे हो गए पंखा चलते चलते। जिंदगी में पहली बार काम आयो बिल्लू जी, प्लीज करो। इसी लायक है रे तुम मासूम दानव, करना। अंग्रेज हम पर राज करते करते चले गए हैं, और तुम तो अंग्रेज भी नहीं हो, कैसे राज कर रहे हो हम पे? संतु चीते इधर आना। संतु भाग जी, पिटा जाएगा। नहीं मैडम, मैडम को अच्छे से पता है कि पंखे की हवा खाने के लिए तुम लोग हमारे आसपास मंडरा रहे हो, कटो यहाँ से। एक मिनट, क्या ये कटो यहाँ से? हम इंसान नहीं है, हमारे लिए आग ऊपर से नहीं बरस रही है, हम थाना स्टाफ नहीं है। बिल्कुल माँ बिल्कुल, इनकलाब जिंदाबाद, माँ कर्णिका आ गई है, अंग्रेज ये एरिया छोड़ दो। तो थाने के पंखे की हवा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल यस है ना बिल्लू, अब तुम झलो पंखा, हम भी यही खड़े रहेंगे, देखते किसकी हिम्मत है हमें यहाँ से भगाने की। माँ कर्णिका अंग्रेज हो गई,
माँ चार घंटे हो गए ये पंखा जलते जलते अब हमारे बाजू में बल नहीं रहा। बिल्ले कुछ ही समय की तो बात है, बस दो चार घंटे में लाइट आ जाएगी ना। और आप, अब हमें पता चला कि आप तो यही चाहती है ना कि हम गर्मी से झुलस झुलस के मर जाए। हाँ, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अरे भैया, अगर इतना ही पंखे का हवा चाहिए तो अपने अपने टेबल पे ना फैन लगवा लो, इन्वर्टर ले आओ जाके अपनी सैलरी में से, जाओ। नहीं नहीं मैडम, क्या है ना कि जो सैलरी आती है वो तो ऐसे उड़ जाती है जैसे गर्म तवे से भाप। हम इन्वर्टर और फैन कैसे लेंगे आप ही बताइए। तो हम क्या करें, हम क्या करें? हाँ, एक अनार सौ बीमारी से कैसे काम चलेगा सबका? कौन कौन पंखे की हवा लेगा बताइए। हमारे पास एक आइडिया है। हाँ तो उसको निकाल दो वरना तोड़ के निकालेंगे। नहीं, आइडिया क्या है? आईडी हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो बोलूंगा कैसे? हाँ हाँ ना, कौन है? देखो, हम ना सबके नाम की पर्चिया निकालेंगे। पुराना चूरन वाला धंधा शुरू करना है क्या कि पर्ची निकालते हैं? हर एक का नाम पर्चियों में होगा और जिसका नाम निकलेगा वो 15 मिनट के लिए हवा खाएगा। 15 मिनट होने के बाद फिर से पर्चिया निकलेगी, फिर से एक का नाम निकलेगा, फिर से वो 15 मिनट हवा खाएगा। ऐसे ही 15-15 मिनट चलता रहेगा। हमको अच्छा लगा ये आइडिया, है ना? हाँ, 15-15 मिनट करके सब हवा खाएंगे। पर्चिया बनाओ। एक, दो, करना जल्दी। नहीं यार, माँ दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे। मिठल्ले कृष्ण आप भाई तो हाथ में रुकना चाहिए। चल, हाँ फेंको ना। हाँ फेंक रहे। एक, दो, तीन। तुम कहाँ उठा रहे? शुभ काम का शुरुआत संतु जी करेंगे। संतु जी उठाइए, उठाइए। किसका नाम आएगा पता नहीं, मेरा नाम आएगा तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी। हमारा ना संतु, हमें पता था। रुकिए ना, रुकिए, देखने। बिल्लू जी, बिल्लू जी का नाम है। मेरा नाम? ओ माय गॉड, थैंक यू माय गॉड, आई हैव एयर इन द गर्मी, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, 15 मिनट ना, चलो। ए निठल्ले, ये ले पंखा चल। बैठने लायक नहीं बचोगे बाबू, उठ जाओ। हम खड़े खड़े हवा खा लेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड लकी। चलो देखते नेक्स्ट किसका है। क्यों नेक्स्ट क्यों देखना है? ये चीटिंग है, चीटिंग। एक बार में एक ही पर्ची निकलनी चाहिए। बिल्लू जी, आप कितने लकी हो, इस बार भी आप ही का नाम आया। आधे घंटे हवा मिलेगी आपको। ओह माय गॉड, एक मिनट, लकी हो कि नहीं चालू है। एक सेकंड मैडम, देखिए। अरे बाप रे, कैसा नर पिशाच आदमी है रे, टकला कौआ। क्या कर दिया इस सारा पर्ची में अपना नाम लिखा हुआ है मैडम। हो हाँ। तुम्हारी तो बिल्लू, तो बिल्लू जी नहीं ठले। बस बस, इतना काम मत कर। चलो हवा दो। आओ मैडम। आए मैडम। मैडम मेरी हेल्प कीजिए। यस, कैन आई हेल्प यू? चुप ना, तुम क्या करोगे? करो बताइए, क्या बात हुआ? मेरा नाम दीप्ति है मैडम, मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ। 1 महीने पहले मुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया। काहे? मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए। तुम गर्भवती हो? बहुत बहुत बधाई हो। लगता है हमारी तो सारी जिंदगी ना दूसरों को बधाइयां देने में चली जाएगी। आप आराम से बैठिए, आप खड़े मत रहिए। अजीता चतुर्वेदी, इनके लिए जूस लेकर आइए प्लीज। दो लाना। जी तो आप बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मैडम मेरा नाम दीप्ति शर्मा है, मैं स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा मतलब थी, मेरे बॉस ने मुझे 1 महीने पहले बुलाया और मुझे जॉब से निकाल दिया। वजह? उनका कहना है कि कंपनी का ओवर बजट हो रहा है, कॉस्ट कटिंग की वजह से बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है और शुरुआत मुझसे की जा रही है। पर मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। असली वजह मैं जानती हूँ कि कंपनी का ओवर बजट होना नहीं बल्कि मेरी प्रेगनेंसी है। उनके हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी ऑफिस वर्क करने के लिए एफिशिएंट नहीं होती जितना नॉर्मल स्टाफ होता है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। ये का मजाक है? ऐसे कैसे कोई किसी को नौकरी से निकाल सकता है सिर्फ इसलिए कि वो गर्भवती है? और आपके हस्बैंड? जी महेश। क्या करते हैं वो? उनका गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है कि वो वापस कब लौटेंगे कुछ कह नहीं सकते इस चीज को लेके। लेकिन मैं आपको सच में बता रही हूँ, हम लोग ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, एक सिर्फ मेरी जॉब का सहारा था और अब वो भी नहीं रहा। मुझे ये जॉब नहीं मिला ना तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, ऐसे कैसे कोई तुमको जॉब से निकाल सकता है? और एक औरत गर्भवती होगी तो क्या किसी काम की नहीं होती है क्या? कितनी सारी हमने ऐसी गर्भवती औरतों को देखा है जो आखिरी हफ्ते तक काम करती है, वो भी पूरे जोश और ऊर्जा के साथ।
लेबर लॉ नाम का कोई कानून होता है। वाह वाह, लेबर एक्ट पता है, लेकिन एक लेबर के साथ आप लोग क्या एक्ट कर रहे ये नहीं पता। चार घंटे से ये पंखा झला रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा है। तुम्हारे बारे में क्या सोचे बे नालायक, हाँ? ये लेबर लोगों के लिए है, तुम जैसे चीटिंग करने वालों के लिए नहीं है, समझ गए? हाँ, अब बीच में बोले ना तो देख लेना बिल्ली। तुम्हारे बॉस की कंपनी का आता पता दो हमको, हम आ जाएंगे और उसके अकल ठिकाने लगाएंगे, उसको बताएंगे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैडम 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 प्लीज आपका जूस लीजिए, पीजिए 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 जूस पीजिए। देखिए सुनो, कानून कोई भी हो, कोई भी कंपनी आपको सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। यहाँ तक कि कानून में एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान और बाद भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को। इस दौरान नौकरी से निकालना दंडनीय अपराध है, इसलिए आप अपनी कंपनी के खिलाफ FIR लिखवाइए, बाकी हम देख लेंगे। मैडम कोई और रास्ता नहीं है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि इसमें हमारी बदनामी होगी। अगर हमें इस जॉब पर वापस बुला भी लिया गया तो हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। कोई और तरीका हो जिससे, कोई शॉर्टकट हो जिससे हमें हमारी जॉब भी मिल जाए और इन सब झंझटों से भी बच जाए।